वेलकम टू चैलेंजेस एकेडमी। चलो उम्मीद करता हूँ सब लोग घर में सेफ सुरक्षित हेल्दी हैं। तो जैसे आप ड्यू टू द लॉकडाउन पीरियड आप क्लास में आके लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्राई करेंगे आप तक पहुंचने की थ्रू दिस लेक्चर्स। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं द टॉपिक कॉल्ड एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स टॉपिक हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स इसको कवर अप करेंगे। पॉलीमर्स क्या है आपको पता ही है, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है, और जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं उनको माइक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है। तो पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ज्यादा होता है, विच इज नियरली इक्वल टू 10^3 टू 10^7 यू। आप बोलेंगे सर ये यू क्या है, मैंने क्या बोला पॉलीमर्स है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स विच हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर मास, which is nearly equal to 10^3 to 10^7 U. U is nothing but unified atomic mass. Unified atomic mass, which is also called as Dalton. इसको और क्या बोला जाता है, Dalton बोला जाता है। आपने molecular mass को, molecular weight को kg per mole, gram per mole तो calculate किया ही होगा, but जो large molecules होते हैं, जिनका molecular weight बहुत ज्यादा होता है, उनका molecular mass या molecular weight kg per mole या gram per mole calculate नहीं करते, उनको unified atomic mass या Dalton ने उनको क्या किया जाता है, calculate किया जाता है। तो unified atomic मास इतना बड़ा तो यूनिट नहीं लिखेंगे, इसके लिए ओनली यू लिखा जाता है, और डाल्टन के बदले यू या फिर डी, कैपिटल डी स्मॉल ए, ऐसे यूनिट लिखा जाता है। एंड अगर आपको बताना चाहूं तो वन डाल्टन इज इक्वल टू, या वन यूनिफाइड एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻¹⁸ माइक्रोग्राम। समझ में आया, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर मास, विच इज नियरली इक्वल टू 10^3 टू 10^7 यू और डाल्टन, विच इज कॉल्ड एज यूनिफाइड एटॉमिक मास डाल्टन, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है जिन मॉलिक्यूल्स का, उनका मॉलिक्यूलर मास को यू में या डाल्टन में उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो मैक्रो पॉलीमर्स का वेट कितना होता है, 10^3 से लेकर 10^7 तक, ये रेंज दिया है 10^3 से लेकर 10^7 तक, 10^7 यूनिफाइड एटॉमिक मास डाल्टन हो सकता है। एंड वन डाल्टन या वन एटॉमिक, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1.661 × 10⁻¹⁸ माइक्रोग्राम। तो डेफिनेशन क्या होगा, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर वेट, विच इज नियरली इक्वल टू 10^3 टू 10^7 यूनिफाइड एटॉमिक मास और डाल्टन, कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड एज मोनोमर। उस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स को क्या बोला जाता है, मोनोमर बोला जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल पॉलीथिन का, वेल नोन एग्जाम्पल पॉलीथिन के, पॉलीथिन एक पॉलीमर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीइथाइलिन भी उसको बोला जाता है। तो वो कैसे बनता है, उसका मोनोमर, अभी हम बोल रहे कि वो पॉलीमर है तो उसका मोनोमर होगा, मोनोमर से बना होगा, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से वो बना होगा, मेनी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट से वो बना होगा। तो ले लेते हैं मोनोमर, इथिन का स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिन है, इसको पहचानते हो ना सब लोग इथिन। अगर ये नहीं पता है बेटा, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर एंट्रेंस में तुक्का मारना है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर क्या पता है, फिर ये पता ही होना चाहिए, इथिन स्ट्रक्चर 11th में आपने पढ़ा ही होगा। और जिसको ये पता नहीं है कि इथिन है तो वो तो कतई चैलेंजेस एकेडमी का स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो दिस इज इथिन, ऐसे एन नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल्स लेंगे, उस पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, मतलब ये जो पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगा। इससे ए नंबर ऑफ जो यूनिट्स है, जो इथिन जिसको बोला जाता है, इथिन और इथाइलीन, इथाइलीन, इथिन ये आयुपैक नेम है, इथाइलीन एक कॉमन नेम है। मोनोमर ले लेंगे ए नंबर ऑफ इथिन, रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होगा, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट,
ये रिपीटिंग यूनिट है। रिपीटिंग यूनिट कैसे बना? यहाँ पे जो दो बॉन्ड है उसमें से एक जो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है दूसरे मोनोमर के साथ। सिमिलरली इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इधर बॉन्ड बनाएगा अनदर मोनोमर के साथ। तो इस तरह रिपीटिंग जितने n इनका वैल्यू जितना होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स आप लेंगे उतना ही नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स फॉर्म होगा। एंड सारे रिपीटिंग यूनिट्स क्या होंगे? कंबाइन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन इस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो ये n नंबर ऑफ मोनोमर्स है इसके अंदर। अगर ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तीन रिपीटिंग यूनिट लेके भी आपको बताना चाहूंगा। समझो CH2 में 3, इनका वैल्यू 3 है। ये नंबर 1 फर्स्ट वाला इथिन, ये सेकंड वाला इथिन और थर्ड वाला इथिन, तीन इथिन मॉलिक्यूल मैंने लिया। पाई पाई बॉन्ड सब में क्या ब्रेक हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स में यहां पे लिख लेता हूं, वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं कार्बन का, बिकॉज यहां पे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन सेपरेट जाएंगे बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन का बॉन्ड, इधर भी इलेक्ट्रॉन सेपरेट जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, इधर भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, और जब मोनोमर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा। यहाँ इस साइड मोनोमर अगर ऐड हो जाता है तो इधर भी बॉन्ड बनेगा। तो ये पूरा ऐसे जितने आप मोनोमर्स लेंगे उतने रिपीटिंग यूनिट्स का यहाँ पे चेन बनेगा। तो ये चेन है, यहाँ पे एन लिखा मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोनोमर्स इसमें ऐड हो चुका है, ज्वाइन हो चुके हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा पॉलीमर बना? पॉलीथीन बना, बिकॉज हमने कौन सा मोनोमर यूज किया? इथेन मोनोमर यूज किया, जिसको और क्या बोलेंगे? पॉलीइथाइलिन भी बोला जाएगा, पॉलीइथाइलिन। पॉलीथीन क्यों लेगा? पहले यहाँ इथेन लिखा है तो अकॉर्डिंग टू द आईपैक वो पॉलीथीन होगा, बट कॉमन नेम इसका क्या? इथाइलिन है ना, तो पॉलीमर क्या होगा? पॉलीइथाइलिन, सेम इज नथिंग बट पॉलीथीन ही है वो। तो एक सिंपल रिएक्शन मैंने आपको पॉलीमर का यहाँ पे बताया है। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, वो कितना होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया, 10^3 से लेकर 10^7 यूनिफाइड एटॉमिक मास अटैचमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। ओके, तो एन नंबर ऑफ यहाँ पे मोनोमर से ऐड हो गए इथिन मॉलिक्यूल, उससे पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन का फॉर्मेशन हो चुका है। द वर्ड पॉलीमर, ये जो वर्ड है पॉलीमर, ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो कौन से ग्रीक वर्ड से है? पॉली एंड मर। पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, ऐसे वर्ड तो मेनी टाइम्स यू हर्ड दैट। उसके साथ साथ सेकेंड जो वर्ड है मर है, इसको मेरोस या मर भी बोल सकते, तो इसका मीनिंग है यूनिट और पार्ट, यूनिट या पार्ट। तो पॉलीमर ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स और पार्ट्स, उसको ही पॉलीमर बोला जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर, पॉलीथीन बनाना है तो रिस्पेक्टिव मोनोमर क्या होगा? इथीन होगा, विनाइल क्लोराइड नहीं होगा या स्टीरीन नहीं होगा। स्टीरीन आप लेंगे तो पॉलीस्टीरीन पॉलीमर बनेगा, अगर आप विनाइल क्लोराइड लेंगे तो पीवीसी पॉलीमर फॉर्म होगा, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो भी पॉलीमर आपको बनाना है उसके रिस्पेक्टेड मोनोमर हमें क्या होगा? लेना पड़ेगा, जिससे रिस्पेक्टिव पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड ये जो मोनोमर्स होते हैं, अभी मोनोमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो टाइम है पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम है, सितंबर में एग्जाम है, ऐसा मत सोचना बहुत कम समय है, बाकी बच्चे भी उतना ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी जम के प्रिपरेशन करना है। तो मोनोमर्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मोनोमर से क्या होते हैं? स्मॉल सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिएक्टिव वेरी मच हाइलाइटिंग वर्ड है, क्योंकि अगर मोनोमर रिएक्ट नहीं करेगा, अगर वो रिएक्टिव नहीं रहेगा तो पॉलीमर बनेगा क्या? रिपीटिंग यूनिट नहीं बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पॉलीमर बनने के चांसेस ही नहीं। तो मोनोमर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं, समझने के लिए ड्रॉ करने के लिए भी सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, स्मॉल होते हैं। एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? रिएक्टिव मॉलिक्यूल जिनके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द मोनोमर, मोनोमर का जो फंक्शनैलिटी है, मोनोमर का फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन अ मोनोमर। ये मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है, इसमें बॉन्डिंग साइट कितने हैं? सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूं, एवरी मोनोमर जो रिएक्टिव में बोल रहा हूं which has capacity to form two other chemical bonds with other two monomers, every monomer has capacity to form at least
to other chemical bond with other another monomers. So yahan pe ethene ek monomer hai, yahan pe bond break ho jayega to electron separate jayenge, to yahan pe ek monomer add ho sakta hai, yahan pe ek monomer add ho sakta hai, iske andar capacity hai. To functionality jo hai, sir, zaruri nahi ki do hi add ho sakta hai, few aise monomers hote hain jinme more than one मोनोमर्स ऐड हो सकता है, यानी कि अटैच हो सकता है वो मोनोमर. इसलिए द फंक्शनैलिटी, मोनोमर का जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट, नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट एंड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. ये क्या होता है, द नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. जितना मोनोमर्स पॉलीमर बनाने के लिए आप ऐड करेंगे या यूज करेंगे उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है. This is all about introduction के polymer क्या होता है, उनका molecular mass कितना होता है. छोटा सा example मैंने आपको polythene का दिया है, ऐसे many examples अभी आगे पढ़ लेते हैं. आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो जैसे मैंने बोला कि polymers के example देखेंगे आपको चैप्टर में, इस polymer चैप्टर में examples very much important है, because exam में आपको इस चैप्टर के जो questions आते हैं वो most of examples के होते हैं. इसलिए आपको example याद रखना बहुत जरूरी है. इन जनरल एग्जाम्पल मैं आपके लिखा हूँ, उसके साथ साथ आगे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में हम लोग अदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, या बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंथेटिक पॉलीमर्स, वेरियस टाइप्स है, उनका प्रिपरेशन मेथड्स है, उनका यूजेस, उनका स्ट्रक्चर एंड मोनोमर्स का स्ट्रक्चर एंड उनके एग्जाम्पल्स हमें इन डिटेल याद रखना है. दैट ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल, पॉलीमर्स आर यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स सच एज प्लास्टिक बकेट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, पॉलीथिन जिसमें वो पॉलीमर यूज किया जाता है, कप्स एंड सॉसर बनाने के लिए, जिसमें मिल्क या टी हम लोग लेते हैं पीते हैं तो कप्स एंड सॉसर बनाने के लिए भी पॉलीमर्स यूज करते हैं, चिल्ड्रंस के जितने टॉयज होते हैं, खिलौने जो होते हैं जो बचपन में हमने भी खेला है तो टॉयज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है पॉलीमर्स को, पैकेजिंग बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीथिन को मतलब पॉलीमर्स को यूज किया जाता है, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल जैसे नायलॉन, टेरिडिन, कॉटन, ये सब कपड़ा ही है, वो सब पॉलीमर्स है. तो सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल जो सिंथेटिक है मतलब टेरिडिन, टेरिडिन उसके साथ साथ नायलॉन है जो उनके मटेरियल को, उस टाइप ऑफ मटेरियल को, क्लोथिंग मटेरियल को मैन्युफैक्चर के लिए पॉलीमर्स यूज किया जाता है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं जैसे कि टायर्स हो गया, कार्स के जो फेंडॉन होते हैं, फेंडॉन का मतलब जो मेटल यूज करते हैं ना कार बनाने के लिए, जो छप्पर वगैरह जो पार्ट पूरा जो स्ट्रक्चर होता है कार का वो फेंडोन से बना होता है. फेंडोन FENDON ये क्या होता है एक्चुअली, ये मिक्सचर होता है बहुत सारे पॉलीमर्स का, जैसे पॉलीथाइलीन, पीवीसी, उसके साथ पीवीसी एंड नायलॉन, ये सबका मिक्सचर होता है. तो उसको यूज किया जाता है कार को बनाने के लिए, और उसके साथ ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स के गियर्स वगैरह, सील्स, सील्स क्या होता है जो वाइसर टाइप जिनको अपन बोलते हैं, जो पहले के स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, राउंडेड होते हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसको फिट किया जाता है. तो वो सील्स गियर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है पॉलीमर्स को. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली जो मेटल जो होता है उसको जो वायर से अपन यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग मटेरियल एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल उसमें भी क्या यूज किया जाता है, पॉलीमर्स को यूज किया जाता है. वेरियस मशीन पार्ट्स, मशीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज पॉलीमर्स को यूज किया जाता है. ये सब तो इन जनरल एग्जांपल्स हो गए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में ऐसे कौन से पॉलीमर्स है जो प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मैनी न्यूक्लिक एसिड यूज, मैनी न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होकर डीएनए का स्ट्रैंड बनता है. तो मैनी यहाँ पे आया मतलब वो पॉली मतलब पॉलीमर हो गया, तो डीएनए पॉलीमर है, आरएनए पॉलीमर है, प्रोटीन्स बिग पॉलीमर है व्हिच इज मेड अप ऑफ मोनोमर, अमीनो एसिड्स होता है उसके अंदर, नर्व फाइबर्स भी अपने बॉडी में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं, मसल्स आर आल्सो पॉलीमर्स बिकॉज देयर मेड अप ऑफ मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सच एज एक्रोसिन, मायोसिन, ये पॉलीमर से बने होते, प्रोटीन से बने होते हैं. उसके साथ साथ नेल्स से भी पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, वो भी क्या है, नेचुरल एक टाइप ऑफ पॉलीमर्स है जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, यानी कि लिविंग थिंग्स में फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. एवरीडे लाइफ में जो पॉलीमर्स, वैसे तो बहुत सारे अपन यूज करते हैं, बट कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए यहां पे लिखा हूं. पॉलीथीन जैसे बॉटल्स वगैरह वो सारी चीजें यूज करते हैं पॉलीथीन के, अपने लाइफ में पॉलीथीन का बहुत ही यूज होता है, जो कि एक्चुअली यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है.
तो पॉलीथीन एक एवरीडे लाइफ में यूज करने वाला पॉलीमर है। पीवीसी पाइप्स जो अपन देखते हैं वो भी पॉलीमर हो गए, एवरीडे लाइफ में यूज करने वाले। रेनकोट्स, आजकल रेनकोट्स का जमाना मतलब मौसम आ गया तो रेनकोट्स एक पॉलीमर से बने होते हैं। कारपेट्स जो अपन यूज करते हैं वो भी पॉलीमर्स है। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, बट ऐसे भी कुछ पॉलीमर्स है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक पॉलीमर बोला जाता है। जैसे कि ग्लास एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, कंक्रीट जो होता है रोड को बनाने के लिए यूज करते हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, सिलिकॉन रबर इज आल्सो इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर, इससे आपको पता चला कि कितने वाइड स्केल में पॉलीमर्स का यूज होता है। इसीलिए वी कैन से ऐसे चार इंडस्ट्रीज है जिनका पॉलीमर बैकबोन है। पॉलीमर क्या है? बैकबोन, बैकबोन मतलब वर्टिकल कॉलम या फिर बैकबोन की बोला इंडस्ट्रीज को, पॉलीमर्स को बैकबोन इसलिए बोला बिकॉज वो चार इंडस्ट्रीज ऐसे है विदाउट पॉलीमर उनका उस इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं, मतलब इंडस्ट्री चलेगा ही नहीं। ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है? सबसे पहले तो प्लास्टिक का आएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री, जितने भी प्लास्टिक के सामान है जो बनते हैं उसको प्लास्टिक, उस इंडस्ट्री को प्लास्टिक इंडस्ट्री बोला जाएगा। तो जो कि पॉलीथीन उसमें मेन पॉलीमर है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री है जिसका बैकबोन क्या है? पॉलीमर है। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स का भी एक इंडस्ट्री होता है जिसमें इलास्टोमर्स को बनाया जाता है, उनका भी बैकबोन पॉलीमर से, विदाउट पॉलीमर से इलास्टोमर नहीं बनेगा। फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स अपन यूज करते हैं, नायलॉन फाइबर, टेलीन फाइबर, पॉलिस्टर वगैरह, ये सारे फाइबर्स का बैकबोन पॉलीमर है। उसके साथ साथ लास्ट वाली इंडस्ट्री पेंट्स एंड वार्निशेस, पेंट्स तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है ना, पेंट्स एंड वार्निशेस ये फोर्थ इंडस्ट्री है जिसका पॉलीमर्स, जिसमें पॉलीमर्स क्या है? बैकबोन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री जिसमें पॉलीमर्स का मेजर रोल है एंड एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। नाउ ऐसे आर्टिकल्स जो नेचुरली पॉलीमर नहीं है, जिनका ओरिजिन पॉलीमर नहीं है, बट उन आर्टिकल्स को भी कोटिंग किया जाता है पॉलीमर से। जैसे कि पेंट्स, तो पेंट्स जैसे हम लोग पॉलीमर से पेंट्स अपन के पेंट करते हैं, राइट? मैंने केसेस में मेटल्स को, वुड को, बॉल को पेंट करते हैं, तो ऐसे थिंग्स आर्टिकल जो एक्चुअली पॉलीमर्स नहीं होते उनको भी पॉलीमर को यूज करके क्या किया जाता है? कोटिंग किया जाता है। तो इतना वाइड स्केल में पॉलीमर्स का एप्लीकेशन है, यूज है। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आपने तो बोला है डेफिनेशन में, हाँ वो सही है, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली, बोथ पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस। मैं मानता हूँ पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, बट पॉलीमर्स possess they consist of repeating structural unit, polymers monomer se banta hai, monomer ke repeating unit polymers mein hota hai, right? But macromolecules jo hote hain, while macromolecules may or may not have repeating unit, macromolecules mein repeating unit ho bhi sakta hai ya nahi ho sakta hai. Agar repeating unit hai iska matlab polymer hai, but repeating unit nahi hai to macromolecule but polymer nahi hai. Chota sa example main aapko dena chahunga, रफ कर देता हूं मैं। एग्जांपल ये है पॉलीथीन का, पॉलीथीन का मोनोमर रिपीटिंग यूनिट कैसा रहेगा? बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये क्या रिपीटिंग यूनिट है पॉलीथीन का, बराबर? तो पॉलीथीन क्या हुआ? पॉलीमर हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूल है बट मैक्रो मॉलिक्यूल में भी पॉलीमर है। बट क्लोरोफिल ए तो सुना ही होगा फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल क्यों? बिकॉज का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है, तो मैक्रोमोलिक्यूल बट पॉलीमर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं दिख रहा आपको, कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, इरेगुलरली वो एटम्स अरेंज्ड है जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है। तो वी कैन से दैट दस ऑल पॉलीमर्स आर एसेंशियली मैक्रोमोलिक्यूल, जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, इसलिए डेफिनेशन में लिखा है पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। बट All macromolecules are not polymers. सारे macromolecules polymer नहीं होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ए macromolecule है, but polymer नहीं है। क्यों नहीं है? Because इसके अंदर repeating end नहीं है। तो this is all about the difference between polymers and macromolecules. ये सब introduction रहा polymers का। अभी next lecture में हम लोग क्या discuss करेंगे? Types of polymers, next topic जो है, तब तक के लिए bye.